चलिए क्वेश्चन देखिएगा, द इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल, इसकी वैल्यू पूछी गई है आपसे, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी कॉस 2 ओमेगा नॉट टी डी टी, ओके 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी साइन 2 ओमेगा नॉट टी डी टी, 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी साइन 2 ओमेगा नॉट टी डी टी, इनके इंटीग्रेशन की वैल्यू को पूछा गया। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करेंगे और लेट्स ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसे। फर्स्ट में अगर हम देखें तो कॉस ओमेगा नॉट टू कॉस टू ओमेगा नॉट टू को मल्टीप्लाई किया गया, जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ते हैं दैट वी नो वेरी वेल, कॉस सी प्लस कॉस डी है ना, तो कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस या डी माइनस सी बाई टू, इस तरह से लिखते हैं इसको। अब यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें इसको तो दिस इज जस्ट सिंपली कॉस सी प्लस कॉस डी, यानी कि मैं फर्स्ट इंटीग्रेशन की अगर बात करूं तो फर्स्ट इंटीग्रेशन को मैं लिख सकता हूं यहां से दिस 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज कॉस ओमेगा नॉट टी डी कॉस 2 ओमेगा नॉट टी डी टी, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। यहां से आपने ब्रेक किया इसे तो ऐसे लिखेंगे 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, 1/2 बाहर आ गया, ये वाला 2 इधर चला गया 1/2 बन गया, ये बाहर आ गया और यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन में कॉस कॉस 3 ओमेगा नॉट टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी डी टी, ये फॉर्म हो जाएगा यहां से। और इसकी वैल्यू आपको मालूम है, ये 3 साइकिल्स कंप्लीट कर लेगा इन द इंटरवल ऑफ 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, सो इसका अल्टीमेटली इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 और ये यहां पर कंप्लीट करेगा एक साइकिल तो ऑब्वियसली इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ये आंसर आएगा 0। तो फाइनल आंसर कितना आएगा इस इंटीग्रेशन का जो हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया, इसका फाइनल आंसर आएगा 0। क्लियर है, ओके सेकंड वाले को आंसर करें, दिस इज सिंपली कॉस सी माइनस कॉस डी, यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, यहां पर यही रहेगा तो एक्जैक्टली ये ऑप्टेन होगा, यहां पर साइन हो जाएगा, ये यहां पर साइन हो जाएगा, ओके कॉस सी माइनस कॉस डी कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी प्लस साइन डी एंड साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूले सभी ने पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो उनको अप्लाई करेंगे अगर हम तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत क्लियरली कि जो सेकेंड है दैट विल फॉर्म द फॉर्मूला फॉर कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसका आंसर आएगा 0 एंड जो थर्ड है वो फॉर्म करेगा साइन सी माइनस साइन डी, जैसे साइन सी माइनस साइन डी को अगर हम लिखते हैं यहां से दैट इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ऐसे लिखा जाता है ऐसे। अब यहां पर साइन 2 ओमेगा नॉट टी है तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस डी बाई टू और ये हो गया कॉस सी माइनस डी बाई टू, यहां से आप फाइनली इसको रिजल्ट करेंगे तो साइन और साइन माइनस साइन सी माइनस साइन डी की टर्म्स में आंसर आ जाएगा, जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा नॉट और 1/2 इज अ कॉमन फैक्टर दैट विल बी मल्टीप्लाइड हियर और यहां पर आएगा साइन सी में सिंपली अगर हम लिखें यहां से तो साइन 3 ओमेगा नॉट टी डी टी माइनस 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी डी टी, फाइनल आंसर इसके 3 साइकिल कंप्लीट हुई इसकी 1 साइकिल कंप्लीट हुई आंसर आएगा फिर से 0। इन सभी इंटीग्रेशंस का आंसर कितना आएगा 0 आएगा, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कंटीन्यूअस टाइम फेजर में किस तरह से पीरियोडिक नेचर को डिफाइन किया जाता है। फेजर की हम अगर बात करते हैं तो फेजर इज सिंपली वी नो ई टू द पावर जे थीटा, दिस इज कॉल्ड फेजर वेयर वी से कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ओके एंड मैग्नीट्यूड एंड फेस के फॉर्म में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड होता है 1 कॉस स्क्वायर रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर अंडर रूट, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका 1 आएगा मैग्नीट्यूड 1 एंड फेज है इसका थीटा, ओके जैसे मान लीजिए मैं एक फंक्शन रिप्रेजेंट करूं एफ ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर आर ई टू द पावर जे टी, तो आप इसे बोल सकते हैं यहां से जो मैग्नीट्यूड है वो आर हो गया और जो फेज है वो इसका टी हो गया,
एक चीज हम समझ सकते हैं यहां से, जो मैग्नीट्यूड आर है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, दैट्स अ फिक्स्ड वैल्यू। अगर मैग्नीट्यूड फिक्स है और फेज चेंज हो रहा है, देन व्हाट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन हैज टू बी ऑब्टेन, किस तरह का इंटरप्रिटेशन जनरेट होगा? सर्कुलर, डेफिनेटली, क्योंकि हम जानते हैं जब सिर्फ मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट बना रहे और सिर्फ फेज क्या हो, चेंज हो, तो उस कंडीशन में जो इंटरप्रिटेशन डेवलप होता है दैट्स कॉल्ड सर्कुलर इंटरप्रिटेशन। ओके, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज फेजर और ये है उसकी रेडियस आर। क्लियर? अब जैसे यहां पर मान लीजिए मैंने इसे कंसिडर किया दिस इज ई टू द पावर जे टी या आर ई टू द पावर जे टी, तो ये आर इसकी रेडियस हो गई और टी एंगल से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर कि टी इक्वल टू जीरो पर इसका जो फेज होगा, फेज कितना होगा, जीरो होगा, यानी कि यहां पर लोकेट हो जाएगा टी इक्वल टू जीरो के अबाउट। अब जैसे जैसे आप टाइम टी की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे या चेंज करते जाएंगे यहां पर, उसके अकॉर्डिंगली फेज की वैल्यू इसमें इंट्रोड्यूस होती जाएंगी। जैसे मैंने बोला टी इक्वल टू पाई बाई टू, तो आप यहां से क्या लिखेंगे, फेज इक्वल टू पाई बाई टू, यानी कि यहां पर आ जाएगा ये पाई बाई टू फेज पर आ जाएगा एट टी इक्वल टू पाई बाई टू। सिमिलरली अगर मैं इसको आगे कंक्लूड करूं तो टी इज इक्वल टू पाई पर इसका फेज कितना आ जाएगा दोस्तों, टी इक्वल टू पाई पर इसका आ जाएगा फेज इक्वल टू पाई, क्योंकि ई टू पावर क्या है, जे टी है, तो सिंपली टी इक्वल टू हमने लिखा पाई, तो आंसर आया फेज इज पाई एट टी इज इक्वल टू थ्री पाई बाई टू। एक चीज और इसमें ध्यान रखेंगे आप कि जो टी हम कंसिडर कर रहे हैं दैट कुड बी एनी रियल वैल्यू। क्लियर है? ये मैं स्पेसिफिक पॉइंट्स इसलिए कंसिडर कर रहा हूं, मोर पॉपुलर एंड हम एक इंटरप्रिटेशन को समझना है, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहां पे ले लिया, यहां पे ले लिया। अब जैसे मान लीजिए जीरो से लेकर पाई बाई टू के बीच में अगर आप टी की कोई वैल्यू लेंगे तो डेफिनेटली जो फेज की वैल्यू है वो जीरो से लेकर पाई बाई टू के बीच में कहीं पर लोकेट हो जाएगी, कंटिन्यूस फेजेस है डेफिनेटली। ओके, ये लिखा हमने, इसलिए मैंने यहां पर ये सर्कुलर इंटरप्रिटेशन दिखाया है, ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। जब मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट और फेज चेंज हो रहा हो तो इंटरप्रिटेशन किस तरह का आता है, सर्कुलर आता है ऐसा। और ये फेज कितना आएगा इस पर, यहां पर फेज आ जाएगा 3 पाई बाय 2। बात समझ में आ गई इतनी? अब आगे हम जैसे लिखे टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो टी इक्वल टू 2 पाई पर आप नोटिस करेंगे फेज इक्वल टू आएगा दोस्तों 2 पाई, यानी कि टी इज इक्वल टू 2 पाई इज द पॉइंट वेयर फेज रीचेस एट 0 डिग्री लाइन और वी से एट 2 पाई पॉइंट। क्लियर है? यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो कितना है, फंडामेंटल टाइम पीरियड इक्वल टू कितना है, 2 पाई। ओके, अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर कंसिडर किया फेजर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर जे टू टी, ठीक है, मैग्नीट्यूड हमने 1 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नीट्यूड का कोई बहुत ज्यादा रोल है भी नहीं। ओके, अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 1 इसका मैग्नीट्यूड है और फेज कितना है, 2 टी है। वंस अगेन हम इसमें सर्कुलर इंटरप्रिटेशन की बात करते जाएंगे, जैसे आपने ये ड्रॉ किया लाइक दिस। ओके, अब इस सर्कुलर ट्रैक पर अगर आप ऑब्जर्व करें इसको, तो t इज इक्वल टू 0 जैसे हमने कंसिडर किया, तो t इक्वल टू 0 के अबाउट फेज कितना आएगा, यहां पर t इज इक्वल टू 0 पर फेज आएगा 0, बिल्कुल। अब मान लीजिए मैंने t इक्वल टू यहां पर लिया, t इक्वल टू मैंने कंसिडर किया सपोज पाई बाई 4, टी इक्वल टू पाई बाई 4 पर फेज कितना आएगा, 2t, 2 इंटू पाई बाई 4, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज अ पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द फेज वैल्यू ऑफ पाई बाई 2। इस लाइन के अबाउट फेज कितना है, पाई बाई 2 है। अब मैंने कंसिडर किया नेक्स्ट टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर अब देखेंगे तो जो फेज आएगा वो कितना आएगा, पाई आ जाएगा, एट टी इक्वल टू पाई बाई 2 द फेज वैल्यू विल बी पाई। ओके, इस तरह से सर्कुलर ट्रैक को फॉलो कर रहा है डेफिनेटली हमारा जो फेजर है वो। पीरियोडिक सिग्नल्स में जैसा कि हम बात कर चुके हैं, अगर एक स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सिग्नल अपने नेचर को क्या कर दे, रिपीट कर दे, तो वो कैसा है, पीरियोडिक नेचर का सिग्नल है, सिंपल सी बात है। ओके, तो हमने देखा टी इक्वल टू पाई बाय 2 पर कहां पहुंच गए, हम फेज पाई पर पहुंच गए। अब जैसे मान लीजिए मैं और वैल्यूज कंसिडर करते जाऊं, कॉन्सेप्ट यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई दोराय नहीं है इसमें, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए 3 पाई बाई 4 हमने कंसिडर किया, तो दिस इज अ फेज पॉइंट ऑफ 3 पाई बाई 2 लाइन विल बी कोइंसिडेंस बाय द कोइंसिडेंस हियर विद रिस्पेक्ट टू फेजर।
क्लियर। अब हमने कंसीडर किया t इज इक्वल टू पाई, तो t इक्वल टू पाई पर अगर आप देखेंगे तो वापस से ये कहां पहुंच जाएगा, जहां से इसने शुरुआत की थी, तो जहां से फेजर स्टार्ट हुआ था वहीं पर वापस से लोकेट हो गया t इज इक्वल टू पाई पर। तो दोस्तों क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि t इज इक्वल टू पाई इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड? बिल्कुल बोल सकते हैं, दिस इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई। पहले वाले में हमने देखा e to the power jt, that was the fundamental time period of 2 pi, and here it is e to the power j2t, the fundamental time period of pi. तो क्या दोस्तों मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, this is 2 pi by 2 something. Okay, पहले वाले में था 2 pi by 1, अब आ गया ये 2 pi by 2. थोड़ा सा और इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं यहां पर f of t कंसिडर कर रहा हूं इस बार, this is e to the power j3t. अब J3T अगर आप कंसिडर करेंगे तो यहां से हम T की वैल्यूज कंसिडर करते जाएंगे, लाइक मैंने बोला T इक्वल टू जीरो, तो यहां पर जो फेज है, सपोज फेज यहां पर कितना आएगा, जीरो डिग्री, फिर आपने कंसिडर किया T इज इक्वल टू एनी वैल्यू दैट यू हैव टेकन, सपोज यू हैव टेकन पाई बाई थ्री, सो देन द फेज वैल्यू विल बी इक्वल टू पाई। इसी तरह से हमने कंसिडर किया T इज इक्वल टू 2 पाई बाई थ्री, तो 2 पाई बाई थ्री पर अगर आप नोटिस करें तो फेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, फेज इक्वल टू आ जाएगा यहां से 2 पाई, यानी कि 2 पाई फेज का मतलब हो गया कि जो फेजर है वो वापस से कहां पहुंच गया, ओरिजिन पे जाके लोकेट हो गया। इस तरह से t इक्वल टू जीरो पर यहां पर कहीं रहा होगा, फिर आगे ट्रेवर्स किया इसने, ट्रेवर्स करते करते यहां पर t इज इक्वल टू हमने कितना लिया, पाई बाई थ्री, तो t इक्वल टू पाई बाई थ्री पर आपने नोटिस किया कि ये फेज लाइन पाई को क्या करेगा, पहुंच जाएगा, है ना। और जैसे हमने t इक्वल टू 2 पाई बाई थ्री लिया यहां पर, तो ये वापस से कहां पहुंच गया, 2 पाई पॉइंट पर पहुंच गया, ये 2 पाई लाइन है जहां पर हमने t इक्वल टू कंसिडर किया है 2 पाई बाई थ्री। यानी कि हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर कि जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो कितना है दोस्तों, दिस इज 2 पाई बाई थ्री। सो बहुत क्लियर पिक्चर यहां पर हमारे समझ में आ रही है कि जो कंटिन्यूस टाइम फेजर है, अब देखिए हमें एक चीज तो मालूम है, यहां पर जो t है दैट कुड बी एनी रियल वैल्यू, ये जो t है वो क्या हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। ओके, अब जब ये कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है तो एक बात बहुत क्लियर है कि ये जो कंटिन्यूस टाइम फेजर होगा, ध्यान सुना मेरी बात, कंटिन्यूस टाइम फेजर होगा दैट विल बी ऑलवेज पीरियोडिक सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम फेजर कैसा होगा, हमेशा पीरियोडिक होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें, जैसे मान लीजिए हमें मालूम है कि टी क्या है, एनी रियल वैल्यू हो सकता है, टी कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। तो एक बात तो बहुत क्लियर हो गई कि e टू पावर जे यहां पर जो टी है या टू टी है वट एवर, ये हमेशा क्या होगा, टू पाई पॉइंट पर दोबारा से पहुंच जाएगा ऑलवेज। यानी कि जैसे हमने मेंशन किया था कि साइन ओमेगा नॉट टी है या कॉस ओमेगा नॉट टी है, दे आर ऑलवेज पीरियोडिक। नीड किस बात की है, नीड है जस्ट उनका फंडामेंटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की, लेकिन दे आर ऑलवेज पीरियोडिक। सिमिलरली हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो फेजर है, फेजर e टू पावर जे ओमेगा नॉट टी इज ऑल्सो ऑलवेज पीरियोडिक। बस क्या नीड है, इसके फंडामेंटल टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने की। यानी कि कंटिन्यूस स्केल पर अगर हमें फेजर दिख जाए या साइनसोइडल सिग्नल साइन ओमेगा नॉट टी या कॉस ओमेगा नॉट टी दिख जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ऑलवेज पीरियोडिक होते हैं, जस्ट जरूरत है तो इनके टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने की, फंडामेंटल टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने की। ओके, चलिए, तो अब जैसे मैंने यहां पर कंक्लूड किया कि e टू द पावर jt जो था उसके लिए हमने देखा फंडामेंटल टाइम पीरियड वॉज इक्वल टू कितना आया दोस्तों, 2 पाई। ओके, फिर मैंने एग्जांपल कंसीडर किया e टू पावर jt, तो हमने इसमें नोटिस किया कि फंडामेंटल टाइम पीरियड इक्वल टू पाई। क्लियर, या मैं इसको थोड़ा सा और आसान रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो आई कैन से दिस इज 2 पाई बाय 2। सिमिलरली आई कैन से e टू पावर j3t हमने कंसीडर किया, तो फॉर दिस हमने ऑब्जर्व किया कि जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो आया आपके पास, दिस इज 2 पाई बाय 3, ये जनरेट हुआ। ओके, अब इसी ऑर्डर में अगर हम आगे बढ़ते जाएं और यहां पर जो कोफिशियंट ऑफ टी है उसको मैं ऐसे लिख दूं ओमेगा नॉट टी,
तो अब आप बताएंगे जरा क्या इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा। फंडामेंटल टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। ओके, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, याद रह जाएगा सभी को। लेट्स राइट अ नोट पॉइंट हियर। फेजर, क्या बोलेंगे नोट में, फेजर e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि ऑलवेज पीरियोडिक, क्या है, ऑलवेज पीरियोडिक। ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि हम जानते हैं कि जो t है, सिंस t कैसा है, एक रियल वैल्यू है, t इज अ रियल वैल्यू, क्लियर है। ओके, e टू द पावर j ओमेगा नॉट t इज ऑलवेज पीरियोडिक और इट्स फंडामेंटल टाइम पीरियड इज हाउ मच, फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है दोस्तों, फंडामेंटल टाइम पीरियड इसका 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। 2 पाई बाय ओमेगा नॉट इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ फेजर ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। क्लियर हो गई ये बात, नहीं समझ में आ गई सबको, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए, अभी तक हमने डिस्कशन किया कि जो कंटिन्यूस टाइम स्केल पर सिग्नल्स होते हैं, लाइक उसमें हमने डिस्कस किया साइनसोइडल सिग्नल, साइन कोसाइन, इनके पीरियोडिक नेचर को किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। ओके, हमने कंक्लूड किया कि कंटिन्यूस स्केल पर फेजर के पीरियोडिक नेचर को किस तरह से हम कंक्लूड करते हैं। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं किस तरह से डिस्क्रीट स्केल पर पीरियोडिसिटी नेचर को चेक किया जाता है। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए आपने कुछ साइनसोइडल सिग्नल्स को ऐड कर दिया। ओके, जैसे आपने लिखा कि साइन 2 ओमेगा नॉट टी प्लस साइन 5 ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस 3 ओमेगा नॉट टी, एक रिजल्टिंग सिग्नल बनाया मैंने, एफ ऑफ टी नाम रखा इसका। अब मैं आपसे पूछूं कि इस एफ ऑफ टी का पीरियोडिक नेचर बताओ, तो ये दोस्तों आवश्यक नहीं है कि वो पीरियोडिक होगा, ठीक है, इसकी कंडीशन है कब पीरियोडिक होगा और कैसे इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालेंगे उसकी बात हम लोग करेंगे। पहले यहां पर बात कर लेते हैं डिस्क्रीट सेंस में किस तरह से पीरियोडिसिटी नेचर को हम चेक करते हैं। चलिए, सो हेडिंग करेंगे फॉर अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, पीरियोडिक ऑब्लिक अपीरियोडिक नेचर। ओके, पीरियोडिक और अपीरियोडिक नेचर किस तरह से हम कंक्लूड करते हैं डिस्क्रीट सिग्नल्स में, देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने अभी कंक्लूड किया कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, है ना, तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में मैंने ऐसा कुछ एग्जांपल लिया था, याद है सभी को, डिस्कशन हमने कर चुके हैं इस पर। इस तरह का कुछ हमने एक सॉटूथ वेवफॉर्म वहां पर लिया था, दिस काइंड ऑफ, सॉटूथ वेव वी हैव टेकन इन द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, ऐसे ही चलते जा रही है। ये हमने कंसिडर किया सिग्नल एफ ऑफ टी, टाइम पीरियड था इसका, फंडामेंटल टाइम पीरियड की बात अगर मैं करता हूं तो दैट वॉज कैपिटल टी। ओके, यानी कि कैपिटल टी इज इंटरवल ऑफ टाइम जिसमें सिग्नल ने क्या किया है, अपने आप को रिपीट किया है। ओके, ये हो गया दोस्तों टाइम स्केल, दिस इज एफ ऑफ टी, दिस इज अ टाइम स्केल ऑफ एफ ऑफ टी। अब अगर मान लीजिए मैं यहां से जो एफ ऑफ टी हमारे पास है उस एफ ऑफ टी को अगर हम यहां से कन्वर्ट करें इन द डिस्क्रीट सेंस, तो यहां पर मैंने क्या बोला कि जो मिनिमम इंटरवल ऑफ टाइम, मिनिमम पॉसिबल इंटरवल ऑफ टाइम है, वो क्या डिफाइन कर रहा है, फंडामेंटल टाइम पीरियड डिफाइन कर रहा है। इतनी सी बात हमने डिस्कस की। अब इसी बात को अगर मैं डिस्क्रीट सेंस में आपके सामने रखूं, डिस्क्रीट सेंस में, तो डिस्क्रीट सेंस में हम इसको कैसे समझते हैं, इन द प्लेस ऑफ सेइंग कैपिटल टी एज अ वैल्यू जो स्पेसिफिकली यहां पर क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, अगर हम कंसिडर करें सैंपल्स, ओके, डिस्क्रीट सैंपल्स, जैसे आपने यहां पर लिया जीरो, एक सैंपल हमने ये कंसीडर किया, नेक्स्ट ये, फिर यहां पर इस तरह से,
ये भी क्या है, डिस्क्रीट है लेकिन सॉटूथ वेवफॉर्म ही है ये। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, देखें आप कंप्लीटली। यहां पर अगर हम नोटिस करते हैं तो दिस इज ऑल्सो दट सॉटूथ वेवफॉर्म, बट दिस सॉटूथ वेवफॉर्म इज इन द डिस्क्रीट सेंस। ये कैसी वेवफॉर्म है? ये डिस्क्रीट सेंस की वेवफॉर्म है। ये सॉटूथ वेवफॉर्म जो मैंने यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं दैट इज अ डिस्क्रीट सेंस सॉटूथ वेवफॉर्म, और आगे इसी तरह से चलती रहेगी। इस तरह से लाइक दिस, सो दिस इज एफ ऑफ एन। ओके, ये हमने कंसिडर किया, ये था कंटीन्यूअस स्केल, अब हमने कंसिडर किया है डिस्क्रीट स्केल, और ये है इसका स्मॉल एन स्केल का वैल्यू। अब इसी तरह से अगर हम देखते हैं यहां पर, तो ये जो एन की वैल्यूज मैं अगर कंसिडर करूं इन दिस में, तो जीरो है ये, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, इस तरह से चलता रहेगा सैंपल्स। तो जैसे हम यहां पर बोलते हैं मिनिमम टाइम टेकन टू रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड फंडामेंटल टाइम पीरियड। ओके, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं कंटीन्यूअस में। डिस्क्रीट में इसी बात को हम बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड टू रिपीट इटसेल्फ, यानी कि एक सिग्नल को रिपीट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ सैंपल्स, जो नंबर ऑफ सैंपल्स मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स हैं रिक्वायर्ड बाय डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स टू रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। बात समझ में आ गई इतनी? देखिएगा, जैसे इसमें हम देखें तो कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, जरा नोटिस करो और आप बताओ कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, स्क्रीन को रोक लो चाहो तो नोट करके बताओ कितने हैं। देखो एक दो तीन चार, चार सैंपल्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। देखो फिर से, एक जो जीरो पर है, फोर फाइव पर है, कुछ भी इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं, चलो मैंने लिया वन टू थ्री, ये जीरो है, ऐसे लिया जीरो वन टू थ्री। एवरी टाइम आप बोल सकते हैं कि यही चार सैंपल्स जो है वो बार बार रखे जा रहे हैं वेवफॉर्म पर। क्या ऐसा बोल सकते हैं हम? बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिएगा, ये मैंने रखे जीरो से लेके जीरो वन टू थ्री, ये सैंपल वैल्यूज है इसकी एफ ऑफ एन की, ये फिर से उठा के यहां रख दी मैंने, फिर यहां पर रख दी, यानी कि ऐसा मैं बोल सकता हूं कि जो एफ ऑफ एन है वो कुछ ऐसे चल रहा है जीरो वन टू थ्री। ओके, चार सैंपल्स आ गए, यही चार सैंपल फिर से रिपीट हो रहे हैं, जरा देखो ध्यान से। जैसे मान लीजिए हम सिंपली इसको ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे जीरो वन टू थ्री, यही चार सैंपल्स क्या हो रहे हैं इसमें, बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो विल सिंपली से दिस इज अ फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, वेयर वी से इन द कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल टाइम रिक्वायर्ड टू रिपीट इटसेल्फ, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड फंडामेंटल टाइम पीरियड। सिंपली इन द डिस्क्रीट सेंस वी से मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड टू रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। क्लियर है? चलिए तो इसकी डेफिनेशन को ब्रीफली थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे हम? यहां पर इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने यहां पर हुई जो रिक्वायर्ड हुए हमको, वो हो गए कैपिटल एन इज इक्वल टू कितने, फोर। तो डिस्क्रीट सेंस में ये डेफिनेशन हमने कंक्लूड की। क्या डेफिनेशन है? मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स, क्या बोलेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड टू रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल एन। इन द अबव एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन इज हाउ मच, आप बोल सकते हैं फोर। क्लियर है? ओके, चलिए अब थोड़ा सा और इसमें डेफिनेशन को हम थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं। देखिएगा, जैसे हमने डिफाइन किया कंटीन्यूअस सेंस है ना, कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल पर, तो कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल में
जो हमने फंडामेंटल टाइम पीरियड डिफाइन किया वो फंडामेंटल टाइम पीरियड है दोस्तों कैपिटल टी, ओके। लेकिन जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में मैं डिफाइन कर रहा हूं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, इसके अंदर मैं जो डिफाइन कर रहा हूं वो है फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल एन। बात समझ में आ रही है इतनी? कोई नई बात नहीं है, फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल एन ये है, दिस इज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। यहां पर जैसे कि परिभाषा के अनुसार हम कहते हैं एफ ऑफ टी इक्वल टू लिखते हैं एफ ऑफ टी प्लस माइनस के टी, ऐसा लिखा। यहां पर क्या लिखेंगे, वही तरीका है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट वही है, एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन प्लस माइनस के कैपिटल एन। के एन को मैं क्या लिख सकता हूं, टाइम पीरियड लिख सकता हूं, कैपिटल एन को क्या लिख सकता हूं, फंडामेंटल टाइम पीरियड यहां पर लिख सकता हूं, ओके। अब एक चीज और हमें यहां पर समझनी चाहिए, क्या है वो बात, जब भी हम कंटिन्यूस स्केल की बात कर रहे होते हैं, इन द कंटिन्यूस स्केल वी नो दैट कैपिटल टी कैन बी एनी रियल वैल्यू। कैपिटल टी क्या हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, यानी कि जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कोई आवश्यक नहीं है कि वो एक इंटीजर नंबर ही हो, दैट कुड बी एनी रियल वैल्यू, 1.5 हो सकता है, 3.7 हो सकता है, 9.9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 35 हो सकता है, 3.7 हो सकता है, वट एवर इट इज, बट इट कैन बी एनी रियल वैल्यू। टी कैसा हो सकता है दोस्तों, एनी रियल वैल्यू। लेकिन जब मैं कैपिटल एन की बात करता हूं जो कि फंडामेंटल टाइम पीरियड है, वो एन क्या होगा हमेशा, एन इज ओनली इंटीजर्स। कैपिटल एन क्या होगा, ओनली इंटीजर होगा। तो यहां पर एनी रियल वैल्यू है, यहां पर क्या होगा, ओनली इंटीजर्स को स्पेस दिया जाता है। अब यहां से कुछ बातें हमारे पास कंक्लूड होकर आनी चाहिए, कुछ को मैं जस्टिफाई भी करके दिखाऊंगा, कुछ को हम एज अ कंक्लूजन अभी एक्सेप्ट कर सकते हैं चाहे तो, आप चाहे तो थोड़ा सा इसको हैंडल करके भी हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि साइन ओमेगा नॉट टी हो कोई सिग्नल, मैंने लिखा एफ टी इक्वल टू साइन ओमेगा नॉट टी, ओके, या मैंने लिखा एफ टी इक्वल टू कॉस ओमेगा नॉट टी। अदर वर्ड्स में मैं बोलूं कि मैंने कोई साइनोसोइडल सिग्नल कंसिडर किया, एनी साइनोसोइडल सिग्नल, तो साइनोसोइडल सिग्नल में कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में मैंने ये बात कंक्लूड की थी कि ये हमेशा क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, आर दोस्तों ऑलवेज पीरियोडिक। क्या यही बात हम डिस्क्रीट सेंस में भी बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते इस तरह से, यानी कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हमने बोला कि कोई सिग्नल है एफ एन इक्वल टू साइन ओमेगा नॉट एन, ओके, और या कोई सिग्नल है मान लीजिए एफ ऑफ एन इक्वल टू कॉस ओमेगा नॉट एन, ये नॉट ऑलवेज पीरियोडिक है। अभी इस बात को मैं थोड़ा सा और जस्टिफाई करूंगा, डोंट वरी, नॉट ऑलवेज पीरियोडिक। मतलब कहने का यह है कि यहां पर साइन 2t दिख गया, साइन 1.5t दिख गया, साइन रूट 2t दिख गया, ओके, या साइन आपने बोला 3.7t दिख गया, आपको जस्ट क्या पता लगाना है किसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है, बस ये तो आपको मालूम है कि ये क्या होगा, हमेशा पीरियोडिक होगा, दिस इज ऑलवेज पीरियोडिक, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट वी हैव टू बी जस्ट रिक्वायर्ड टू फाइंड इट्स फंडामेंटल टाइम पीरियड, ओके। इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड फाइंड करने की हमको नीड होती है, हमें ये तो पता ही है कि ये हमेशा क्या होगा, पीरियोडिक होगा। बात समझ में आ गई है सभी को, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन में आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं, लेट्स सी।